हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं बिल्कुल कड़कदार तंदूरी है, जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मैंने सॉस पैन लिया है, इसमें एक कप दूध और एक कप पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। चाय में तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए यहाँ मैंने मिट्टी का कुल्हड़ ले लिया है। यह आपको चाय की दुकान पर या जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं वहाँ ये आसानी से मिल जाएगा। तो इसे हमें सबसे पहले बहुत ही अच्छे से गर्म करना है। तो मैंने दूसरी गैस की फ्लेम पर इसे रख दिया है। बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे, यानी पलटते रहेंगे और अच्छे से गर्म करेंगे। चाय को कड़क बनाने के लिए हम चाय की पत्ती तो यूज़ करेंगे ही, साथ में छोटी इलायची, अदरक, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च डालेंगे, जिससे चाय का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है छोटा सा टुकड़ा अदरक का, एक छोटी इलायची और दो काली मिर्च। इसे हम अच्छे से कूट लेते हैं, यानी क्रश कर लेते हैं। दूध में उबालना शुरू हो गया है, तो गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं चाय की पत्ती। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है, या जितना भी आप चाय कड़क पीना चाहते हैं उतना चाय की पत्ती डाल सकते हैं। 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, कुटा हुआ अदरक, छोटी इलायची और काली मिर्च डाल रहे हैं, तुलसी के पत्ते डाल रहे हैं। यहाँ मैंने 2 तुलसी के पत्ते डाले हैं तोड़ के। चाय को हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाना है, लगभग 3 से 4 उबाल आने तक। तो इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। कुल्हड़ भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है और चाय भी बहुत ही अच्छे से पक कर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ चाय बनकर तैयार है। अब हमें चाय को छानना है, जिसके लिए मैंने एक साफ बर्तन लिया है और इसमें हम गर्मा गर्म कुल्हड़ रख रहे हैं। कुल्हड़ में हम चाय को छान लेते हैं। चाय में से झाग खत्म हो गया है और यहाँ एकदम कड़क तंदूरी चाय बनकर तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे कप में सर्व कर सकते हैं और कुल्हड़ में भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चाय की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इस बार आप इसे ट्राई करें, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।